हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं यूनिफॉर्म के, जिसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज वो है टाइमर कंट्रोल। अब ये टाइमर कंट्रोल किस काम में आता है, इसको अभी जब हम एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये हमारे पास किस काम में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक वेब फॉर्म बना लेते हैं, ओ विन फॉर्म का फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अब देखें, अगर मुझे अपने फॉर्म के ऊपर क्या दिखाना है, डेट दिखानी है और टाइम दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लेबल बना सकता हूँ और उस लेबल के अंदर जो है या डेट टाइम का जो हमारे पास क्लास होती है उसकी मदद से जो है ना डेट और टाइम को जो है ना वो शो करवा सकता हूँ। अब वो मैं किस तरह से करवा लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मैंने जो है लेबल बना लिया है, तो अब जाकर इस लेबल के जो थोड़ा सा साइज है, फॉन्ट साइज, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 16, बोल्ड कर देते हैं और इसको हम जो है ना अल्जीरियन में शो कर देते हैं। तो हमने लेबल बना लिया। अच्छा, फॉर्म के हम लोड इवेंट पे चलते हैं और यहाँ पर आकर हम बोलते हैं लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर आकर अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अगर आप हम इसको एग्जीक्यूट कराएं तो आप देखें यहाँ पर ये जो करंट हमारे पास टाइम और डेट है वो रिटर्न कर रहा है। इसी के साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ और मेथड भी यहाँ पर हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास है टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। अब अगर हम शॉर्ट डेट स्ट्रिंग करेंगे तो ये हमें क्या देगा, डेट ही रिटर्न करेगा लेकिन शॉर्ट वे में डेट रिटर्न करेगा। इसी तरह से आपके पास एक मेथड होता है लॉन्ग डेट स्ट्रिंग। अगर आप इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपके पास होता है एक लॉन्ग डेट स्ट्रिंग। अब ये क्या रिटर्न करेगा, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अब आपको ये क्या कह रहा है, कंप्लीट जो है ना डेट रिटर्न कर रहा है कि फ्राइडे डे है December 28, 2018। तो अगर आपको इस तरह से डेट शो करवानी है तो तब जो है आप लॉन्ग जो है लॉन्ग डेट स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सिर्फ आपको टाइम ही यूज़ करना है तो आपके पास यहाँ पे टाइम भी आपके पास मिलता है टू शॉर्ट टाइम। यहाँ पर अगर एक आप देखें तो हमारे पास है लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या डिस्प्ले करेगा, हमारे पास आवर, मिनट्स और साथ के साथ सेकंड्स को भी बताएगा। और सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो ये आपको क्या बताएगा, अगर मैं यहाँ से शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ तो ये आपको सेकंड्स जो है वो यहाँ पर नहीं बताएगा, सिर्फ आपको आवर और मिनट्स जो है वो यहाँ पर रिसीव करवाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था टाइमर कंट्रोल। अभी आपने देखा कि हमने फॉर्म लोड पर क्या किया कि डेट शो कराई, लेकिन ये जो डेट थी ये फिक्स थी। क्या थी, फिक्स थी, यानी अगर अगर हम डेट यानी अगर हम एक टाइमर बनाना चाहते हैं, लेट सपोज हम क्लॉक दिखाना चाहते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, तो इन दैट केस हमें यूज़ करना पड़ेगा टाइमर कंट्रोल का। अब ये टाइमर कंट्रोल हमें यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये टाइमर कंट्रोल मिलता है, इसको हम फॉर्म पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये टाइमर यहाँ पर आके आपको शो हो जाएगा। अब टाइमर के अंदर आप उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो टाइमर को आपको ट्रू करना पड़ेगा सेट, और फिर उसके बाद यहाँ पर टाइमर की एक प्रॉपर्टी होती है इंटरवल। अब ये इंटरवल क्या है कि कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप जो है ना वो उसका इवेंट कॉल करना चाहते हैं टाइमर का, और टाइमर के साथ जो हमें इवेंट मिलता है वो मिलता है टिक इवेंट, यानी टाइमर के टिक पे, आपके पास टाइमर के टिक इवेंट पे आप क्या काम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं और वो टाइमर जो है वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो काम अचीव करे। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ एलेप्स इवेंट इन मिली सेकेंड, तो ये आपको जो यहाँ पर इंटरवल में टाइम में आपको देना होता है ये मिली सेकेंड में देना होता है। तो हमारे पास अगर हम हर सेकेंड के बाद अपनी डेट को अपने टाइम को जो है ना अपग्रेड करना चाहते हैं तो इन डेट केस हमें यहाँ पर 1000 सेकेंड्स मिली सेकेंड्स देने होंगे, तो 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे 1000 दे देता हूँ और टाइमर का जो टिक इवेंट है उसको यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं। तो टाइमर के टिक इवेंट पे हम करेंगे क्या, बेसिकली हम लेबल वन डॉट टेक्स्ट और उसके टेक्स्ट को हम जो है ना डेट टाइम डॉट नाउ से बार बार यहाँ पर डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस टाइमर को हमें एक्टिवेट करना होगा फर्स्ट टाइम, तो हम पेज लोड पे टाइमर को स्टार्ट करवा देंगे कि टाइमर आपके पास क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए।
तो सेव करते हैं, अब एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब आपके पास, आप देख सकते हो कि आपके पास सेकंड्स जो है ना चल रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो रहा है कि एक टाइम में आपके पास क्लॉक जैसा इवेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप अपने वेब फॉर्म्स के और फिन फॉर्म्स के ऊपर ये काम रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जितनी भी आप एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके ऊपर आपको डेट और टाइम जो है ना वो दिखाना होता है। तो आप इसको एक लेबल में सेव करवा कर अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप टाइमर की मदद से जो है ना स्टार्ट एंड स्टॉप वॉच भी बना सकते हैं। लेट सपोज हम दो बटन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम दो बटन ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा बटन, ठीक है, बटन वन, और एक हम बटन टू ले लेते हैं। कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से बटन को, कॉपी पेस्ट करते हैं। इस बटन से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं इसकी प्रॉपर्टी में आके इसके टेक्स्ट को बोल देते हैं स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट। एंड जिस बटन से हम करेंगे स्टॉप, और हम एक लेबल भी बना लेते हैं सिमिलरली, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, एक लेबल बनाते हैं, और ये लेबल यहाँ पर रख देते हैं, और इस लेबल के टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से जाके बोल्ड 14, ठीक है। ये आ गया आपके पास लेबल, ठीक है। अब इस लेबल की जो आपके पास टेक्स्ट है उसको मैं खाली कर देता हूँ। सिमिलरली एक और टाइमर कंट्रोल ले लेते हैं हम यहाँ से। तो ये आ गया टाइमर कंट्रोल, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसके टिक इवेंट पे हम इस लेबल की वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे, लेकिन कब करेंगे अभी करते हैं। तो यहाँ से जाते हैं यूज, पहले हम यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, जीरो, और ये हमने इनिशियलाइज करके छोड़ दिया। और टाइमर के टिक इवेंट पे हम लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, उसको बराबर कर देंगे आई के, और आई की वैल्यू को हम कर देंगे इंक्रीमेंट, सही है। और यहाँ पर जाके आई को बोल देते हैं टू स्ट्रिंग। और ये तो होगा टाइमर के टिक इवेंट पे काम। अब टाइमर रन कब होगा, तो हम टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से टाइमर टू को, यानी स्टार्ट के बटन पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और स्टॉप के बटन पे टाइमर जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम टाइमर को कर देंगे स्टॉप। इसी तरह से टाइमर टू की जो प्रॉपर्टी थी, यानी हमने यहाँ इसका इंटरवल सेट नहीं किया, ठीक है। तो हम बोल देते हैं टाइमर, इसको भी 1000 दे देते हैं, और इस, ठीक है, मैंने अभी इसके इनेबल को जो है ना वो फॉल्स रखा है, क्योंकि हम इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं स्टार्ट के बटन पर। तो अब यहाँ पर जाके हम यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो है ना स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, 0 1 2 3। तो आप देखें यहाँ तक ये ना अपडेट होती जा रही है। जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे तो ये रुक जाएगी, मैंने स्टॉप कर दिया, तो अब आप देखें ये स्टॉप हो गई। फिर स्टार्ट करता हूँ तो अगेन ये स्टार्ट हो गई, स्टॉप करता हूँ फिर आपके पास स्टॉप हो गई, फिर स्टार्ट करता हूँ तो अब आपके पास ये जो है ना स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली ये हमने जो है ना एक छोटी सी स्टॉप वॉच जो है ना वो इसकी मदद से एक्टिवेट कर ली है। तो अब ये स्टॉप वॉच को आप मजीद ना अपने पास और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे आवर को जो है, आप एक आवर का लेबल ले लें, एक मिनट्स का लेबल ले लें, ठीक है, और एक ले लें सेकंड्स का। तो जैसे ही आपके पास सेकंड 60 के बराबर हो जाए, आप इस वाले लेबल को अपडेट कर दें, फिर आपके पास इसमें जब 60 हो जाए तो आप आवर वाले को इसी तरह से अपडेट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक स्टॉप वॉच वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।